हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2021 से संबंधित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने घोषणा की सरकारी कर्मचारियों को प्रथम ई व्हीकल खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी। प्रदेश के राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में ई मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। हमारे ई व्हीकल पॉलिसी पे मैन्युफैक्चरिंग और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा मिले, सस्ते मिले, उसके अंदर इंडस्ट्री से भी, विभागों से भी 3 दौर की चर्चा पहले हुई और आज फाइनल अंतिम डिस्कशन ऑन ऑल बेनिफिट्स हमने करे हैं कि आने वाली 1 महीने के अंदर अंदर हम प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आएंगे, जिसमें व्हीकल बनाने से व्हीकल की यूटिलाइजेशन और उसके साथ साथ व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाए, इसके ऊपर प्रदेश का फोकस रहेगा। खबर जीरकपुर से है, जहां निरीक्षक उकार सिंह बरा